आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राजनाथ से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया, भोपाल में सिंधिया का शाही स्वागत। बेंगलुरु के रिसोर्ट में कमलनाथ के मंत्री का हंगामा, हंगामे के बाद पुलिस ने जीतू पटवारी को पकड़ा। राज्यसभा के लिए कांग्रेस में घमासान, दिग्विजय ने भरा राज्यसभा के लिए नामांकन। बीजेपी नेता नरोत्तम का बयान, पहले हो फ्लो टेस्ट, 10 दिन में बन जाएगी भाजपा सरकार। और सरकार गिर सकती है, इस खबर से किसान खुश, इमरती देवी बोली, सिंधिया कहे तो कुएं में कूदने को तैयार। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका शाही स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सिंधिया ने बीजेपी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और कहा वे बीजेपी के साथ देश सेवा और प्रदेश की प्रगति में हर संभव योगदान देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंधिया विधायक के साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंधिया प्राइवेट विमान से दिल्ली केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे। भोपाल में सिंधिया के स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और महापौर आलोक शर्मा मौजूद रहे। सिंधिया ने भोपाल में अपने शक्ति प्रदर्शन के स्वरूप रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन के साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां बीजेपी ने सिंधिया का शाही स्वागत किया। अब से पहले कभी सिंधिया का भोपाल में ऐसा स्वागत नहीं हुआ है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की राजनीति को समझ रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये दोनों बीजेपी नेता पूर्व में पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसकी कार्यशैली को समझना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धारा 370, ट्रिपल तलाक और CEA जैसे मसलों का खुलकर समर्थन किया था। इसी सिलसिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार सिंधिया इन दोनों दिग्गज भाजपा नेताओं से मिले। पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये भाजपा नेताओं से पहली औपचारिक मुलाकात थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके बीजेपी में आने से मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने में पार्टी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे थे। पार्टी ज्वाइन करने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से गुरुवार को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा गया था। ट्वीट कर पार्टी की ओर से कहा गया था कि बीजेपी में महाराज का इतना अपमान किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उनका स्वागत भी नहीं किया है। हालांकि अब अमित शाह, राजनाथ सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद उनका औपचारिक स्वागत किया है। बेंगलुरु के रिसोर्ट में पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने पटवारी और लाखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जीतू पटवारी और लाखन सिंह विधायक मनोज चौधरी के पिता को लेकर जबरिया रिसोर्ट में घुस गए थे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की है। मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा बेंगलुरु में देखने को मिला, जहां कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी, लाखन सिंह, कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी और लोकल कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे और रिसोर्ट के वॉशरूम, लॉबी और कमरों में घुसकर अपने विधायकों को तलाशने लगे। रिसोर्ट प्रबंधन ने जब इस पर आपत्ति की तो पटवारी और उनके साथ पहुंचे लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भी इसे वहां ठहरे लोगों की प्राइवेसी में दखल बताया और जीतू पटवारी को ऐसा करने से रोक दिया,
जिसके बाद जीतू पटवारी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और रिसोर्ट में हंगामा करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने जीतू पटवारी और उनके साथ आए लोगों को पकड़ा और पुलिस स्टेशन ले गए। पटवारी और कांग्रेस का आरोप है कि बेंगलुरु के इस रिसोर्ट में कांग्रेस विधायकों को भाजपा ने बंधक बनाकर रखा है। आज में हो रही है, ये अद्भुत है और मैं मानता हूँ कि आप लोगों को आपका नाम ध्यान देना चाहिए, देश को ध्यान देना चाहिए। उसके पिता को नहीं मिलने जा रहा है, मनोज चौधरी के पिता है नारायण चौधरी। मैं मानता हूँ कि इस तरह की तानाशाही पुलिस की बर्दाश्त नहीं होगी मध्य प्रदेश में। इसके पहले ही बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस विधायकों को ऐसा होने की आशंका थी और उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की थी। इन तमाम विधायकों ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा था कि बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाया जाए, साथ ही स्थानीय पुलिस उन्हें सुरक्षा और एस्कॉर्ट उपलब्ध कराए। पत्र में लिखा गया था कि हम सभी मध्य प्रदेश के विधायक और सांसदों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम यहां पर जरूरी काम से आए हैं, जिसकी वजह से हमें यहां पर सुरक्षा और एस्कॉर्ट स्थानीय पुलिस द्वारा मुहैया कराई जाए, ताकि हम बेंगलुरु में सुरक्षित रह सके। राज्यसभा में जाने की होड़ को मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान का एक कारण बताया जा रहा था। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से राज्यसभा का नामांकन भर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी पद को महत्व नहीं दिया, उनकी विचारधारा की लड़ाई है। फ्लोर टेस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब तक विधायक विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस्तीफा नहीं देते, तब तक फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी विचारधारा की लड़ाई है। दिग्विजय ने कहा वे हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे, उनके लिए पद महत्व नहीं रखता, राजनीतिक विश्वसनीयता होनी चाहिए और इससे वे कोई समझौता नहीं करते। दिग्विजय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कहती है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, फिर क्यों विधायकों को कैद कर रखा गया है, क्यों भूपेंद्र सिंह कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा लाते हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब तक इस्तीफा देने वाले विधायक खुद आकर ये नहीं कहते कि ये उनके सिग्नेचर हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं है, इस्तीफा कैसे माना जाएगा और फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में विचारधारा की लड़ाई लड़ी है और अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इस्तीफे मंजूर हो जाएं। कहते हमारा आंतरिक मामला है कांग्रेस का। अगर आंतरिक मामला है तो उन लोगों को आपने कैद क्यों कर रखा है, छोड़िए। उनसे बयान दिलवा रहे हैं, वीडियो भिजवा रहे हैं, लेकिन माननीय स्पीकर साहब के सामने उन्हें पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। और आपको मैं स्मरण दिला दूं कि मेरे मुख्यमंत्री काल में कोई भी कट्टरपंथी हिंदू या कट्टरपंथी मुसलमान ने भड़काऊ भाषण दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसके कारण प्रदेश में एक दंगा फसाद नहीं होने दिया और पूरे तरीके से हम लोगों ने इस देश में और इस प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा। दिग्विजय सिंह ने कहा मेरे मुख्यमंत्री रहते कभी किसी ने भड़काऊ भाषण नहीं दिया। अब दिग्विजय सिंह उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की याद क्यों दिला रहे हैं ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, या दिग्विजय सिंह का फिर कोई नया राजनीतिक पैंतरा शुरू होगा। वैसे भी कहा तो यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर वे सुपर सीएम की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, राज्यसभा जाने की होड़ ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब सदन में पहले फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ चुकी है। उन्होंने कहा 10 दिन में बीजेपी सरकार बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ज्योतिरादित्य बड़े कद के नेता हैं, उनका भाजपा में स्वागत है। सिंधिया ने सरकार में रहते हुए आम जनता और किसानों के लिए आवाज उठाई है। बीजेपी नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए पहले सदन में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए।
नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार कैसे अल्पमत में है और उसे अब क्या करना चाहिए ये तफसील से बताया। मिश्रा ने दावा किया कि अगले 10 दिन में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। देखिए, फ्लोर होगा तो टेस्ट भी होगा, ऐसी मेरी मान्यता है कि सरकार अल्पमत में है। जब विधानसभा अध्यक्ष के पास इस्तीफे आ गए, महामहिम के पास इस्तीफे आ गए, राज्यपाल जी के पास, फिर क्या बचता है? अब तो लकीर पीटने जैसा है, जितने दिन वो धड़काना चाहते हैं धड़काएं। महामहिम का अभिभाषण होगा, महामहिम का अभिभाषण सरकार का दर्पण होता है, पर किस सरकार का? जो अल्पमत की सरकार है उसका भाषण कैसे? तो हम तो मांग करेंगे कि महामहिम के भाषण के पहले फ्लोर टेस्ट हो। मिश्रा ने सिंधिया का भाजपा ज्वाइन करने पर स्वागत किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सिंधिया जन नेता है, उन्होंने सरकार में रहते हुए आम जनता और किसानों की ऋण माफी के लिए आवाज उठाई। सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को कहा था कि अगर किसानों की ऋण माफी नहीं की गई तो वे सड़क पर उतर आएंगे। तब कमलनाथ ने कहा था कि जिसको सड़क पर आना है आ जाए। अब जब वे सड़क पर आ गए हैं तो पूरी कमलनाथ सरकार सड़क पर आ गई है। जब तक वो साथ थे देवता समान, अब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए व्यक्ति आया है। वो व्यक्ति ऐसा था जिसने सत्ता में रहते हुए भी हमेशा आम आदमी की आवाज उठाई कि कर्जा माफ नहीं हुआ। उनने कहा कि माइनिंग माफिया हावी है मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ट्रांसफरों की लिस्ट रोज निकलती है, जब स्लिक कम पड़ती है तब शाम को एक लिस्ट निकाल देते हैं। उनने कहा कि मैं सड़क पर उतर आऊंगा। कमलनाथ जी ने कहा कि आ जाओ, वो आ गए, पूरी सरकारी सड़क पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नामों को जारी किया है। मध्य प्रदेश से पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, वहीं सूची में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का नाम है। राज्यसभा के लिए होने जा रहे चुनाव में भाजपा ने गुरुवार को अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी की ओर से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की घोषणा की है। केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनने के बाद इसे जारी किया गया। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और महाराष्ट्र से भगवत कराड़ा के नाम की घोषणा की है। पार्टी ने हरियाणा से दो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। हरियाणा से पार्टी ने रामचंद्र झांगड़ और दुष्यंत कुमार गौतम को पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश से इंदु गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। पार्टी ने यहां से अमरीश भाई रसिकलाल पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान अब राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यही वजह है कि किसान भी समझने लगा है कि किसका शासन उसके लिए ठीक है और किसका खराब है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के लड़खड़ाते ही किसान खासे प्रसन्न हैं। एक किसान तो ऐसे में अपनी खुशी को रोक ही नहीं पाया और उसने एक गीत के जरिए अपनी खुशी का इजहार कर दिया। कर्ज माफी के वादे और किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ किए जाने के बयानों के बीच अब तक एक भी ऐसा किसान सामने नहीं आया जिसका इतना कर्ज माफ हुआ हो। ऐसे में गरीब किसान को जिन योजनाओं से लाभ मिलता था वो और बंद हो गई। इससे मध्य प्रदेश का किसान बेहद परेशान है। अब जब कई गुटों में बड़ी कांग्रेस में बगावत शुरू हुई और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई, ऐसे में किसानों ने उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही। किसानों की पीड़ा को गीतों के जरिए सामने लाने वाले किसान अनूप दुबे का कहना है, सरकार इनकी गिरते ही मामा फिर से आएगा, तुम देखना मेरे राज का हर किसान मुस्कुराएगा। सरकार इनकी गिरते ही ओ मामा फिर से आएगा, सरकार इनकी गिरते ही मामा फिर से आएगा, तुम देखना मेरे राज का
हर किसान मुस्कुराएगा। तुम देखना मेरे राज का, हर किसान मुस्कुराएगा। इस गीत में किसान अनूप दुबे ने कहा है कि अब डालने लगेगा बोनस, बंद योजनाएं चलेंगी, निर्धन गरीब सबको हर हर योजना मिलेगी। किसान अनूप दुबे को उम्मीद है कि कमलनाथ सरकार के बाद जो भी सरकार आएगी वो बेरोजगारी भी कम करेगी और किसान के बंद खाते भी फिर से रिन्यू हो जाएंगे। डलने लगेंगे बोनस, बंद योजना चलेंगी, निर्धन गरीब सबको हर योजना मिलेगी। बेरोजगार मामा के राज में न होगा, पढ़े लिखों को फिर से मामा पे नाज होगा। किसान बंद खाते को अरे फिर से रिन्यू कराएगा, भर भर के झोला बैंकों से किसान पैसा लाएगा, भर भर के झोला बैंकों से किसान पैसा लाएगा। सरकार इनकी गिरते ही अरे मामा फिर से आएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में मचे घमासान के बीच पूर्व मंत्री सरताज सिंह की बीजेपी में वापसी की तैयारी है। सरताज सिंह ने कहा, कांग्रेस गुटबाजों की पार्टी है। पुराने बीजेपी नेता सरताज सिंह फिर बीजेपी में वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की गुटबाजी के चलते ही मैं वापस बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। सरताज सिंह शिवराज मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, वे होशंगाबाद से सांसद भी रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी में वापसी के लिए उनकी किसी बड़े नेता से बात हुई है, तो उन्होंने सिंधिया जी से बात होने की बात कही है। देखिए, कांग्रेस तो गुटबंदी के आधार पर बनी हुई पार्टी है और उसमें माननीय सिंधिया जी का भी एक अलग अपनी एक पहचान थी और हम लोग सिंधिया जी से जुड़े हुए थे और उस नाते जब सिंधिया जी यहाँ आ गए तो हम भी आ गए। मेरी जो कुछ भी बात हुई है सिंधिया जी से हुई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया गुट के विधायकों और मंत्रियों का बुरा हाल कर रखा था। सिंधिया समर्थक लोगों के साथ कमलनाथ की कांग्रेस सरकार दोयम दर्जे का व्यवहार करती थी। सिंधिया समर्थक मंत्री रही इमरती देवी ने इस बात का खुलासा किया है और कहा कि महाराज कहे तो कुएं में गिरने को भी तैयार हैं। कांग्रेस की बागी विधायक इमरती देवी ने एक बार फिर ज्योतिराज सिंधिया के प्रति अपनी वफादारी को जाहिर किया है और कमलनाथ राज की सच्चाई बयान की है। मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच इमरती देवी ने कहा कि सिंधिया कुएं में गिरे तो हम भी साथ गिरेंगे। इमरती देवी ने कांग्रेस पर ज्योतिराज सिंधिया की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, ज्योतिराज सिंधिया समर्थित 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इमरती देवी ने कहा कि हम लोगों की इतनी अनदेखी तो कभी बीजेपी के राज में भी नहीं हुई जितनी कमलनाथ ने की। अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं। अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, स्वयं मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं वहाँ इमरती देवी है और जितने हम 22 विधायक हैं सब हंसी खुशी से हैं और सब अपनी इच्छा से हैं और महाराज की जो अपेक्षा उनने की है कांग्रेस वालों में, इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी। हमने भी 10 साल बीजेपी में रहे हैं विधायक बन करके, तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमलनाथ जी ने कर दिया था हम लोगों के क्षेत्र में। हमने 10 साल कहा हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, लेकिन जब सरकार आई तो और इतनी बुरी तरह से हम बेहाल हो गए कि एक काम भी हमें कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला है और हमारी कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं सुनी। हम सबसे ज्यादा परेशान थे उस पार्टी में रह के, जिस पार्टी से आज हम त्याग पत्र दे के श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ खड़े हुए। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है, मगर कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं कर पा रही थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल छाए हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाजिर होने को कह दिया है। पूरे देश में इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर विपदा आने का सबसे बड़ा कारण राज्यसभा चुनाव है। सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में
जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां के हालातों पर और खास तौर पर राज्यसभा के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस आलाकमान ने याद किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्यसभा प्रत्याशी के नामों को लेकर आलाकमान से चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के सियासी तूफान पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अभी कमलनाथ का पत्ता खुलना बाकी है। एमपी के कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे आलाकमान का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। राज्यसभा के प्रत्याशी तय करना है और 13 तारीख लास्ट डेट है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सदस्य जाने हैं और दोनों कांग्रेस के जाएंगे और इसलिए हाईकमान से चर्चा करने दिल्ली जा रहा हूँ। और मध्य प्रदेश के बारे में ये कांग्रेस से जो जाने वाले लोग हैं वो हमेशा हमने देखा है कि घुर्राते हुए जाते हैं और धूम दबा के आते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बड़े जोर शोर से शोर मचाते हुए गए और धूम दबा के वापस आए। अभी शुरुआत हुई है, अभी कमलनाथ जी के दांव कहाँ सामने आए। होली खेलने ससुराल गए युवक का इतना विवाद हुआ कि उसकी हत्या हो गई। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है। NH 39 पर चक्का जाम कर दिया गया है। सीधी जिले के थाना रामपुर नेकिन गांव के निवासी निर्मोही साकेत की कल शाम तकरीबन 5 बजे हत्या हो गई। निर्मोही साकेत अपने ससुराल में होली खेलने गया हुआ था, जहां होली खेलने पर इतना विवाद हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस हत्या के कारणों की सही जांच नहीं कर रही है और न ही गिरफ्तार कर रही है, जिसके कारण आज NH 39 में आसपास के लोगों और परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। और लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस सही ढंग से जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती, हम लोग का धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूं, मेरे को खाली उसको गिरफ्तार किया जाए, उनके घर वालों को भी गिरफ्तार किया जाए, सबको माने अरेस्ट किया जाए। और कुछ नहीं, पुलिस शासन कुछ नहीं कर रही है, कोई शासन नहीं है पे। हमने इसलिए जाम किए हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 24 घंटे के अंदर मुझे वो गिरफ्तार किया जाए। सिवनी में ग्रामीण उस वक्त दहशत में आ गए जब एक तेंदुआ गांव में घुस आया और उसने 2 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। बमुश्किल वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुए को गांव से जंगल की ओर भगाया है। सिवनी में बरघाट क्षेत्र के गाँव जंगल टोला में अचानक एक घर में तेंदुआ घुसा। तेंदुए ने पहले 2 बकरियों का शिकार कर अपनी भूख मिटाई, फिर कई घंटे तक उसी मकान में कैद रहा, जिसे आधी रात को पिंच पार्क की एक्सपर्ट टीम, पुलिस विभाग और वन विभाग के कर्मचारियों की मदद से आजाद कराया गया। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में भूखे तेंदुए के गांव में दस्तक दी। तेंदुए के घुसने की जैसे ही खबर लगी, पूरे गांव वालों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग और पिंच पार्क की एक्सपर्ट टीम पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को रात 2 बजे घर से निकाला गया। इसके बाद तेंदुआ खुद ही जंगल की ओर भाग गया। कोरोना वायरस का कहर सारी इंसानी बिरादरी पर इस समय सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में कोरोना के कहर पर एक बुंदेली लोकगीत सामने आया है, जिसमें इस पर व्यंग भी है और चिकित्सकों से अनुरोध भी है कि इसकी कोई दवा ढूंढ दो। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। चीन के वुहान से इसकी शुरुआत हुई और ये बीमारी चीन की सरहद लांघ कर दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुँच गई। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी जब कोरोना की चर्चा शुरू हुई तो यहाँ के लोक कलाकारों ने भी इस पर चर्चा शुरू कर दी। बस फिर क्या था, कोरोना वायरस बुंदेलखंडी लोक गीतों तक पहुँच गया। आजकल इस दुनिया में एक रोग फैलो बीमारी और उको डॉक्टर ने नाव धरो कल्ले कोरोना वायरस। कोरोना वायरस चीन में बीमारी फैली, 3,000 आदमी मरे, ज्यादा नहीं मरे है। और मरे इसलिए है कहा कि आगलू का खात। हाँ, डॉक्टर कह रहे कल चमगादड़ को काको तो सूप वो खाए से मर रहे हैं। अब जब चमगादड़ खाओ तो तुम तो मरो यार। और बा बीमारी अपने भारत में भी फैल रही, कचू जो विदेश से घूम घाम के आए वे तो चपका ले आए। तो हमने एक लोकगीत लिखो कोरोना वायरस, सुनो आप क्या वो है। सारी दुनिया रे ओ ढूंढो जल्द दवाई डॉक्टर ओझा दुनिया रे। ढूंढो जल्द दवाई डॉक्टर ओझा दुनिया रे।
बटन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।